श्रीदेवी क्लासिक यूट्यूब चैनल में हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर AR201 में आज हम बात करते हैं लिंगराज टेंपल एट भुवनेश्वर। लिंगराज टेंपल एट भुवनेश्वर, यह टेंपल 10th सेंचुरी में बनाया गया है। आरंभ में इस मंदिर के दो भाग थे, देओल और जगमोहन। नट मंदिर व भोग मंदिर शायद बाद में एक शताब्दी के बाद बनाए गए हैं। यह सभी मंदिर एक बड़े आंगन जो कि 142 and 158 मीटर में स्थापित है। यह लिंगराज टेंपल का प्लान और एलिवेशन है। प्लान में सबसे पहले एंट्री में भोग मंदिर आता है, उसके बाद नट मंदिर आता है, फिर जगमोहन आता है, उसके बाद गर्भगृह आता है। गर्भगृह में मेन देवता की मूर्ति रखी होती है। जगमोहन में सारे लोग प्रे के लिए इकट्ठे होते हैं। नट मंदिर में नृत्य किया जाता है और भोग मंदिर में प्रसाद के रूप में भोजन किया जाता है। इसके प्रवेश द्वार पत्थर के दो शेरों द्वारा सुशोभित किया गया है। इस मंदिर का आकर्षक करने वाला भाग इसका देओल या श्री मंदिर है, जिसे पत्थर से बनाया गया है। इसका बेस या नींव 17 मीटर साइड की है। इसके सामने का भाग प्रोजेक्टेड है, इसलिए यह वर्गाकार प्रतीत नहीं होता है। बाड़ा या लोअर स्टोरी वर्टिकल है। इसके ऊपर कर्व देकर इसे 38 मीटर तक ऊंचा उठाया गया है। ऊपरी भाग में नेकिंग करके उसके ऊपर मेलन शेप फ्लूटेड डिस्क या आमशिला या और कलश बनाया गया है। देओल के ऊपर छोटी छोटी दो मूर्तियां स्थापित है। ग्रह में 3 मीटर ऊंचा तथा 2.5 मीटर चौड़ा शिवलिंग स्थापित किया गया है। समझा जाता है कि शिवलिंग धरती के अंदर से प्रकट हुआ है, इसलिए इस स्थान को भुवनेश्वर कहा जाता है। जगमोहन 22 मीटर लंबा तथा 17 मीटर चौड़ा है। नीचे की मंजिल 10 मीटर ऊंची है और पीड़ा 30 मीटर धरती से ऊंचा है। नट मंदिर और भोग मंदिर छोटे हैं, परंतु वे भी इसी डिजाइन के बने हैं। आंगन में पार्वती, गणेश और कार्तिकेय राजना के मंदिर है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।